दोस्तों मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह एक महान शासक और कुशल राजनीतिज्ञ थे। उन्होंने मेवाड़ को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सैनिक हर प्रकार से सशक्त बनाया। दोस्तों मेवाड़ में पहले से ही कुछ ऐसी परंपराएं चली आ रही थी जो राज्य हित में नहीं थी। महाराणा अमर सिंह ने वह सब परंपराएं समाप्त कर दी। दोस्तों एक ऐसी परंपरा मेवाड़ में पहले से ही चली आ रही थी कि सामंतों को जो जागीरें दी जाती थी वह वंशानुगत थी। जब किसी भी सामंत की मृत्यु हो जाती थी तो उसके स्थान पर उसके पुत्र को ही उस जागीर का नया सामंत बनाया जाता था। महाराणा अमर सिंह ने इस परंपरा में बदलाव किया। मेवाड़ में किसी भी सामंत की जागीर हमेशा के लिए उसकी ही रहे, यह उचित नहीं है। महाराणा अमर सिंह ने घोषणा की कि मेवाड़ में किसी भी सामंत के द्वारा कोई गलती करने पर या राज्य का किसी कानून के उल्लंघन करने पर वह जागीर उससे छीन ली जा सकती है और वह जागीर किसी और योग्य सामंत को दी जा सकती है। इसका अर्थ यह हुआ कि मेवाड़ में जब भी किसी सामंत की मृत्यु होगी तो उसके पुत्र को वह जागीर मिलना या ना मिलना इस बात पर निर्भर करेगा कि वह कितना योग्य है। यदि वह सामंत बनने की योग्यता नहीं रखता तो वह जागीर किसी और को दी जा सकती है। दोस्तों ऐसा ही पिपल्या के सामंत हाथीराम चंद्रावत के साथ हुआ। महाराणा अमर सिंह का एक ऊंट पाटन से पिपल्या होता हुआ उदयपुर जा रहा था। उसमें महाराणा अमर सिंह के वस्त्र लदे हुए थे। हाथीराम चंद्रावत ने वह ऊंट पकड़ लिया जिसके कारण महाराणा अमर सिंह नाराज हो गए। उन्होंने कल्याण सिंह शक्तावत को सेना के साथ पिपल्या भेजा। कल्याण सिंह महाराणा अमर सिंह के पौत्र थे। हाथीराम मेवाड़ की सेना से युद्ध करने की स्थिति में नहीं था। कल्याण सिंह शक्तावत ने उसको बंदी बना लिया और महाराणा के सामने पेश किया। महाराणा अमर सिंह ने पिपल्या की जागीर हाथीराम सामंत से छीन ली और कल्याण सिंह शक्तावत को सौंप दी, जो महाराज शक्ति सिंह सिसोदिया के 13वें पुत्र राज सिंह के पुत्र थे। कल्याण सिंह शक्तावत को पिपल्या की जागीर मिलने के बाद महाराणा अमर सिंह ने रावत की उपाधि दे दी। इसके बाद कई पीढ़ियों तक वहां पर शक्तावतों का राज रहा। बाद में यह ठिकाना मेवाड़ के द्वितीय श्रेणी के 32 ठिकानों में बेशुमार रहा। हाथीराम चंद्रावत ने यह सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उसकी ये छोटी सी गलती इतनी भारी पड़ सकती है।